हेलो दोस्तों, अगर आप भी SBI योनो यूज़ करते हैं तो अभी आपको रिसेंटली एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। आपका लॉगिन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लॉगिन में बता रहा होगा कि ऑनलाइन SBI पे जा कर के कुछ करें अपना, ठीक है ना। और दो तरीके की प्रॉब्लम है, एक तो कुछ एप्लीकेशन चल नहीं रहा योनो का। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आपको कुछ काम करना है जो आज इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेके आए आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी बताता हूँ दो काम जो आपको करने हैं। सबसे पहला काम है आपको प्ले स्टोर पर जाना है, योनो ऐप को अपडेट कर लेना है अगर आपने अपडेट नहीं करा है, ठीक है। दूसरा काम जो करना है आपको ऑनलाइन SBI खोलना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर खोलने के बाद ऑनलाइन SBI लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर जाने के बाद अपनी ID पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड को चेंज करना है, चेंज योर पासवर्ड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे SBI जो है लगातार हर महीने, हर 6 महीने, हर 1 साल में अपने यूजर्स को बोलता है कि आपने जो भी पासवर्ड रखा था पिछले साल उसको आप बदलें, ठीक है। इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपकी ही सिक्योरिटी है कि आपका जो हैकिंग का खतरा है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप भी अपने यहाँ पे पासवर्ड को बदलें। उसके बाद पासवर्ड बदलने के बाद, नया पासवर्ड रखने के बाद, नए पासवर्ड से आप योनो में लॉगिन अगर करते हैं तो आपका सक्सेसफुल यहाँ पर लॉगिन हो जाता है और ये प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। तो आप ये करके ज़रूर देखें। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो डेफिनेटली हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप कमेंट करके बताइए कैसे पासवर्ड चेंज करते हैं। अदरवाइज़ आप सीधे सीधे जैसे ही लॉगिन करोगे, आप वेबसाइट क्रोम में, गूगल क्रोम पे जाना है, ऑनलाइन SBI सर्च करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। ऑटोमेटिक सबसे पहले आपका पासवर्ड ही चेंज होगा वहाँ पर, ठीक है। दूसरे ऑप्शन आपको नहीं आएंगे, सबसे पहले पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा। ओल्ड पासवर्ड डालना है, फिर 2 बार आपको नए पासवर्ड डालना है, उसके बाद वो पासवर्ड आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। नए पासवर्ड के साथ आपको SBI योनो में लॉगिन करना है और पहले बार में ही लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन आपका हो जाता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आके कमेंट ज़रूर करें कि मेरा भी यहाँ पे लॉगिन हो गया है, ठीक है। आप सभी लोगों को दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।